घर के कामों को करने के बाद शायद हम अपना ध्यान रखना तो बिल्कुल भूल ही जाते हैं, इसीलिए मैंने ना कुछ चीज़ों के बिल्कुल रूल बना रखे हैं, नियम बना रखे हैं अपने लिए, ताकि मैं अपनी जो इम्पोर्टेंस है ना वो कम ना कर पाऊँ, जिसमें कि रेगुलर चेकअप्स भी हैं मेरे जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और इसके अलावा ना स्किन हेयर रिलेटेड भी मेरे अपने कुछ रूल हैं, और अब उन रूल को फॉलो करते करते मुझे उनके दिन भी याद हो गए हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब फ्राइडे का डे आता है ना तो वो मेरा बालों का दिन होता है, तो थर्सडे को ही मैं एक्टिव हो जाती हूँ। तो पूरे दिन घर के काम करते रहो। अब देखो मॉर्निंग में सारा काम कर लिया, साथ के साथ जो हमारे प्लांट्स हैं उनकी भी देखभाल हो गई, तो महीने में एक बार जो मेरा ये बैम्बू ट्री है ना इसकी भी मैं बहुत अच्छे से देखभाल कर देती हूँ, सब वॉश करके इसकी जड़ें वगैरह लगा देती हूँ। तो अब बारी आएगी मेरी अपनी हेयर केयर की, जिसके बारे में चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले नहा लूँ। नहाकर आ गई हूँ मैं, और अब ना बड़ा अच्छा सा फील हो रहा है। और गर्मियों में वैसे भी ना जैसे खूब ढेर सारा काम मॉर्निंग में कर लो और फिर नहा लो ना, तो बड़ा अच्छा सा फील होता है, फ्रेश फील होता है। तो अब एक एक करके मैं काम करूँगी। पहले क्या होता था ना, मैं जैसे जब भी मुझे टाइम मिलता था, खासकर दोपहर के टाइम, तो मैं बाहर चली जाया करती थी, बैंक के, मार्केट के, अपने सारे काम किया करती थी। लेकिन अब तो भाई जब तक इकट्ठे नहीं हो जाए बहुत सारे काम, तब तक करने नहीं है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस देखो हमें लेनी है। और एक चीज़ और मैं आपको बता रही थी कि जैसे आप लोगों के ना कुछ कॉमेंट आते हैं, आप लोग हमेशा कुछ ना कुछ पूछते रहते हो मेरे से चीज़ों को लेकर, तो मैं कई बार क्या होता है बहुत लंबे रिप्लाई होते हैं तो वो कर नहीं पाती हूँ। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि जब कभी भी ब्लॉग बनाऊंगी उसी में उन सब चीजों के आंसर दे दूंगी। तो जैसे बालों को लेके बहुत कमेंट आते हैं, बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं, तो मैंने कहा कि कौन सा आप पैक लगाते हो, तो मैं उसी के बारे में आपको एक चीज और बता दूं। वो मेरा खुद का बनाया हुआ पैक है, देखो वो मैं उसमें अपने घर की चीजें ही मिलाती हूँ और उसे लगाती हूँ, और काफी टाइम से लगा रही हूँ उसको। अब आज आपसे मैं बात करूंगी अपने बालों को लेकर। आप लोगों के बहुत कमेंट आते हैं कि दी आपके बाल अच्छे हैं, लंबे हैं, घने हैं, ये कैसे हैं। तो देखो कई सारी चीज़ें क्या होती हैं वो जेनेटिक होती हैं। मेरी मम्मी के बाल भी बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत लंबे रहे हैं, बहुत घने हैं उनके, स्टिल अभी भी बहुत घने बाल हैं। लेकिन इसके अलावा भी मतलब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब मेरी शादी हुई थी तो बहुत लंबे बाल थे, कमर से भी नीचे बाल थे, लेकिन मैं कटाती थी, कटिंग करा लिया करती थी अलग अलग स्टाइल में। लेकिन एक बार क्या हुआ, जब मैंने जॉब करनी स्टार्ट करी तब मैंने क्या किया था, अपने बालों में पमिंग करानी स्टार्ट करी। अब पमिंग कराओ, मैंने बहुत सारे केमिकल ट्रीटमेंट अपने बालों पर कराए हैं, लेकिन उसके साथ साथ ना इस चीज़ का ध्यान रखा कि बाल खराब ना हो। लेकिन शुरुआत में इस चीज़ की जिसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा वो नहीं थी, अकल नहीं थी, तो मैंने क्या किया अपने बालों में पमिंग करा ली। और संगीता थी वो भी मुझसे कहा करती थी, मतलब हम लोग डरते डरते गए थे एक पार्लर में कि चलो करा लेते हैं पमिंग। तो हमने दोनों ने जाके वहाँ पमिंग कराई एक साथ, क्योंकि था क्या, हम मुझे हाँ एक दो जने साथ रहते हैं तो ऐसा लगता है ना कि अरे हमारे खराब होंगे तो इसके बाल भी खराब हो जाएंगे। तो हम दोनों ने कराई थी, और उसने सॉफ्ट कराई थी, मेरी थोड़े से मेरी हार्ड पमिंग थी, मतलब हार्ड का मतलब बहुत ज़्यादा घुंघराले बाल हो गए थे, बड़े अच्छे लगते थे, मेरे फेस पे बहुत सूट करते थे और बाल लंबे थे, और फिर वो जब उसमें कर्ल्स आ गए थे तो वो खुले हुए बाल बहुत अच्छे लगते थे, मतलब बहुत सूट करते थे मेरे ऊपर। तो फिर मैंने दोबारा करवा ली। अब हुआ क्या, मैंने और संगीता ने डिसाइड किया था कि हम अगर ये सब केमिकल ट्रीटमेंट लेंगे ना देखो तो बाल खराब हो जाएंगे, तो हम इसमें कुछ ना कुछ जो है लगाया करेंगे। तब तक मेरे बाल मतलब जैसे कहते हैं ना बच्चे होने की वजह से और ये केमिकल ट्रीटमेंट लेने की वजह से काफ़ी झड़ भी रहे थे और बहुत खराब हो रहे थे।
तो देखो यही कहते हैं ना, कोई एक अच्छा फ्रेंड होता है या किसी कोई आपका मतलब जिसे कहते हैं ना कोई ऐसा दोस्त होता है जिससे जो आपको बिल्कुल सही सलाह देता है और आपकी बातों को समझ जाता है, तो वो मतलब लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है। तो चलो वो सारी चीज़ें तो मैं आपके साथ एक बार शेयर करी हैं, फिर शेयर करूंगी। तो संगीता ने कहा कि चलो कुछ स्टार्ट करते हैं, तो हम गए, हम दोनों गए और हम ना मेहंदी लेकर आए, हबीब की मेहंदी। तो हबीब की मेहंदी का तब जो डब्बा आया था वो 120 रुपीज़ का आया, तो हमें ये था कि अगर हमें सूट नहीं करी तो अच्छी नहीं रही तो हमारे जो है पैसे खराब जाएंगे। तो हमने ट्राई किया कि चलो हम एक काम करेंगे, कॉन्ट्री कर लेंगे और लगा के एक बार देखेंगे। तो हम एक डब्बा लेकर आए हम दोनों जने, और हमने आधा उसने रखा आधा मैंने रखा, और हमने अप्लाई करी वो हबीब की मेहंदी। मतलब इतनी अच्छी निकली वो मेहंदी, उसे लगाने के बाद बाल इतने सिल्की हो जाते थे, मतलब बहुत अच्छी सूट करी। तो हम दोनों ने फिर अगली बार से अपने वो हबीब के डब्बे लेने स्टार्ट कर दिए मेहंदी के। और वो हबीब की मेहंदी मैंने मतलब काफी सालों तक लगाई है, स्टिल मैं आपको बताऊं 4-5 साल पहले तक मैंने वो हबीब की मेहंदी लगाई है। और मेरी सिस्टर को ना जैसे किसी भी चीज़ से बालों में कोई भी चीज़ वो अप्लाई करती थी तो उसे एलर्जी हो जाती थी, तो वो भी हबीब की मेहंदी लगाती थी। उसके बाद क्या हुआ, जब हम ये मेहंदी लगाते थे ना, तो उसी टाइम पे जब मेरे बाल बहुत झड़ने लगे, तो मतलब हमने ना वो सर्च किया कि हम क्या लगाएं बालों में। तो हमारे घर के सामने रहती थी एक, उन्हें मैं राधा दीदी बोलती थी, तो वो बोले कि दही लगाओ अपने बालों में। और मेरी मम्मी ने ना हमेशा से हमें आंवला बहुत मेरे बालों में लगाया है, रीठा आंवला शिकाकाई से ही मैंने बाल धोए हैं शादी से पहले तक। तो मैंने क्या किया, अचानक से एक दिन मेरे दिमाग में आया कि दही का ही यूज़ करती हूँ और इसमें मेथी डालती हूँ, पिसी हुई मेथी, क्योंकि राधा दीदी ने बोला था कि मेथी बहुत फ़ायदा करती है बालों को। तो मैंने दही ली और उसमें रात को मेथी भिगोई और उसे हमने लगाना शुरू किया, मैंने लगाया। जैसे ही लगाया उसके बाद बालों का तो जिसे कहता ना बिल्कुल धीरे धीरे ना मतलब उस नेक्स्ट डे मुझे बड़े मुलायम से लगे बाल। उसके बाद फिर मैं उसे वीकली लगाने लगी, जैसे बाल तो झड़ ही रहे थे और एक दिन में कोई मिरेकल नहीं होता, तो मैं दही मेथी लगाती रही। और इसका मैं एक चीज़ और बताऊं, एक बार मेरे कज़िन की शादी थी और मैंने अपने बालों में पमिंग करा रखी थी, अब बोर हो गई थी देखते देखते, और करीब 1 महीने पहले ही करा के आई थी। तो मुझे ये था कि बालों को कैसे सही करूं, अब ये तो कोई इसमें चेंज ही नहीं कर पाऊंगी, वही घुंघराले घुंघराले से बाल सारी शादी में दिखाई देंगे। तो मैंने क्या किया, 1.5-2 महीने पहले अपने बालों में जो है हफ्ते में 2-3 बार दही मेथी लगानी स्टार्ट कर दी। रात को दही और मेथी भिगो दिया करती थी और मॉर्निंग में लगाया करती थी और 2-3 घंटे बाद धो दिया करती थी। तो हफ्ते में 2-3 बार लगाने से क्या हुआ, शादी तक आते आते मेरे बालों के जो वो कर्ल्स थे ना वो काफ़ी खुल गए और बिल्कुल सॉफ्ट सी पमिंग दिखाई देने लगी और बहुत सुंदर हो गए। तो केमिकल ट्रीटमेंट के ऊपर भी जो है दही और मेथी ने असर किया। तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके असर होते ही होते हैं अगर आप उन्हें रेगुलर यूज़ करो। तो एक जो ये पैक है ना दही मेथी का, ये इससे बढ़िया पैक बालों के लिए मैंने अभी तक कोई नहीं देखा। हाँ आजकल मार्केट में बहुत तरीके के हेयर पैक आ रहे हैं, मैं उनको भी यूज़ करती हूँ और लगाती हूँ, रेगुलर लगाती हूँ। तो देखो जो चीज़ मैं अपने बालों के लिए करती हूँ वो चीज़ मैं आपको बता दूँ, उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है बालों में ऑयलिंग। बहुत अच्छा मतलब अच्छे से बालों को आप ऑयलिंग करिए, तेल लगाइए। और जो मैं यूज़ करती हूँ, कई बार आपको बताया मैं भी दिखा दूंगी आपको, मैं कामा आयुर्वेदा का यूज़ करती हूँ, भृंगादी हेयर ऑयल, और उसे मैं यूज़ कर रही हूँ 3-4 सालों से। और उससे पहले जो मैं तेल यूज़ किया करती थी, आंवला हेयर ऑयल यूज़ किया करती थी, या मतलब अच्छे ही ऑयल यूज़ किया करती थी, ज़्यादातर नारियल का तेल यूज़ किया करती थी। और नारियल का तेल लगा के मैं थोड़ा सा गुनगुना करके लगाती थी उसको, और उसके बाद जो गरम तौलिया होता है ना, हॉट टॉवल जिसे कहते हैं, एक स्टीम देना बालों को, वो मैं ज़रूर दिया करती थी। और अब मैं लगाती हूँ भृंगादी हेयर ऑयल, अच्छे से मसाज करती हूँ। और हाँ, एक ना टर्मरिक का वो आता है एसेंशियल ऑयल आता है, वो भी मेरे पास है, अभी जस्ट आपको दिखाती हूँ। तो टर्मरिक का एसेंशियल ऑयल है मेरे पास, उसकी मैं एक बूंद क्या करती हूँ, जो भी हेयर ऑयल होता है उसमें डाल देती हूँ, तो उससे जो बालों में इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं, डेंड्रफ होती है या इचीनेस होती है ना, वो उससे चली जाती है। वैसे तो वो जो मैं ऑयल लगाती हूँ ना भृंगादी वाला, वो बहुत बढ़िया ऑयल है। ये तो गई ऑयलिंग की बारी। दूसरी चीज़ जो होती है वो होता है पैक। मैं हफ्ते में 2 बार हेयर पैक ज़रूर लगाती हूँ। देखो आज मैं वीडियो बना रही हूँ, आज थर्सडे है, और मुझे याद भी इसलिए आया क्योंकि अभी मैं जाके ना अपना हेयर पैक की चीज़ें भिगोती हूँ,
तो या तो मैं रात को लगा लेती हूँ, जैसे ज़्यादा बिजी होती हूँ तो रात को लगा के 2-3 घंटे बाद गर्मियों में ज़्यादातर धो देती हूँ, या फिर कल लगाऊंगी फ्राइडे को। तो फ्राइडे को मैं लगाती हूँ घर का बना हुआ कोई हेयर पैक अपना, आपको बताया ना एक वीडियो में। और ज़्यादातर ट्यूजडे को या वेनसडे को, मंडे को थोड़ा बहुत चेंज देखो हो जाता है, कोशिश तो 2 बार की होती है। उसमें मैं लगाती हूँ कोई भी हेयर पैक, कुछ नहीं होता तो दही लगा लेती हूँ। तो मैं वही भिगोने जा रही थी तो आप लोगों से मैंने सोचा शेयर करूं। तो ये है हेयर पैक। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज है वो होती है आपकी डाइट। डाइट में आपको प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए। लेकिन देखो ऐसा नहीं कि हम बहुत ज्यादा प्रोटीन खा लें, क्योंकि उसके भी अपने अलग साइड इफेक्ट्स हैं, हर चीज बैलेंस होनी चाहिए। तो देखो मैं ना प्रोटीनेक्स का दूध पीती हूँ, प्रोटीनेक्स डाल के दूध पीती हूँ, या जो मतलब इसी तरीके के ना वो आते हैं सप्लीमेंट्स आते हैं, या फिर इसी तरह के जो अलग सप्लीमेंट आते हैं ना प्रोटीन के, जैसे उजीवा वगैरह का आता है, तो वो मैं दूध में डाल के घोल के पी लेती हूँ। अब देखो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, जो चीज़ मैं करती हूँ वो ब्रांड की हम चीज़ें यूज करते हैं जो भी हमारे आसपास होते हैं, तो उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि कोलैबोरेशन वाली हो कि, तो मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। और वैसे भी जो भी चीज़ मैं आपको बताती हूँ ना वो 1 महीने तक मैं टेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को बताती हूँ, ताकि आप लोगों तक वो चीज़ बिल्कुल वो पहुँचे कि उसे मैं यूज़ कर चुकी हूँ। तो आज तो बालों की बारी है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, आप रिंगादी हेयर ऑयल और उसके बाद उस जो है आप जो है गरम तौलिए से थोड़ी देर को अपने लपेट के सर में रखिए, पहली चीज। दूसरी चीज एक हेयर मास्क लगाइए, हफ्ते में 2 बार लगाइए कम से कम। और तीसरी चीज प्रोटीन का इस्तेमाल करिए, ये चीजों से बहुत फायदा आपके बालों को होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत हल्के हाथों से बालों में तेल लगाइए। और देखो अभी जो मैं यूज़ करती हूँ ना हेयर पैक, वो मेथी का यूज़ करती हूँ। तो अगर आपके पास मेथी दाना है तो आप मेथी दाना ले लो, उसे भिगो दो रात में, या फिर अगर आपके पास पिसी मेथी है तो पिसी मेथी ले लो। तो मैं पिसी मेथी, जैसे कोई भी ब्रांड की जो पिसी मेथी, कोई भी ब्रांड की आप ले लीजिए, मैं मेथी सीड इस तरीके से पिसे हुए मंगा लेती हूँ, कोई भी ब्रांड की ले लो। तो ये मेथी सीड होते हैं, ये पिसी भी मेथी होती है। देखो यहाँ नहीं मिलती पिसी मेथी। और एक चीज़ और बताऊँ, जब मैंने ये मेथी लगानी शुरू करी थी ना, तो मथुरा में कहीं पिसी भी मेथी नहीं मिलती थी, केवल जयपुर में मिला करती थी। और मैं आपको बात बता रही हूँ 2008 की या 2009 की शायद, हाँ, तो केवल वहाँ मिला करती थी। तो जब मैं गिट्टू के पास जाती थी, मेरी सिस्टर है ना, तो मैं इकट्ठे 3-4 पैक जो है ना मेथी, पिसी मेथी के ले आया करती थी और फिर उसको लगाया करती थी। तो मैं पिसी मेथी रखती हूँ हमेशा अपने पास, और वो इसी काम के लिए रखती हूँ, बालों के लिए। और अगर आपके पास पिसी मेथी नहीं है तो मेथी दाना ले लो, और इसको आप ना रात को भिगो दो और लगाओ। अब देखो इसमें एक चीज और है जो मैं मिलाती हूँ, और ये मैं मिला रही हूँ करीब 3-4 सालों से, और वो होता है कलौंजी का पाउडर, आता है मार्केट में, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। जो काली काली कलौंजी होती है ना किचन में होती है, ये अगर आपके पास वो कलौंजी का पाउडर ना हो, तो जो आपके पास रहती है ज्यादातर अचार वगैरह में हम लोग डालते हैं, तो आप उस कलौंजी को भिगो दो। इसी में मैं मिला देती हूँ आंवला, आंवला पाउडर भी मेरे पास रहता है, वो सारी चीजें देखो अभी आपको दिखा देती हूँ। तो आंवला पाउडर भी रहता है, उस आंवले पाउडर को भी मैं इसमें मिला देती हूँ। ये सारी चीजों को लेके मैं बनाती हूँ बहुत ही अच्छा हेयर मास्क, जो कि बहुत फायदा करता है। फिर इसे कल लगाऊंगी मॉर्निंग में, फिर मॉर्निंग में मैं आपको दिखाऊंगी इसे कैसे लगाया जाता है। तो पहले भिगो देती हूँ। लोहे की कढ़ाई, जिसे कि पहले मैं खाने के लिए यूज किया करती थी, लेकिन अब इसको ना मेरे इसमें बालों का सामान भीगा ही रहता है। तो इसमें मैंने सबसे पहले ना 2 टेबल स्पून मैंने ली है मेथी, पिसी हुई मेथी, और देखिए ये है कलौंजी, और ये कलौंजी भी मैंने करीब 1.5 टेबल स्पून ले ली है, आप इक्वल भी ले सकते हो। और इसके साथ साथ ये पिसा हुआ आंवले का पाउडर है, ये भी मैंने 2 चम्मच इसमें ले लिया। और ये मैंने जो है अमेजोन से ही मंगाई है सारी चीजें, इनके लिंक मैं आपको दे दूंगी। पिसी हुई मेथी नहीं हो तो आप जो है मेथी दाना भिगो दीजिए, और ये मैंने डाल दी दही। अगर आपके पास दही नहीं हो तो छाछ मट्ठा जो भी हो उसे ले लीजिए, और थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके इसका हमें पेस्ट बनाना है। तो देखिए आप चाहे कैसा भी पेस्ट बनाओ ना, पतला भी बना लो तब भी ये मॉर्निंग में काफी फूल जाता है। तो देखिए मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के, इसमें कोई गुठले ना पड़े, इसको जो है भिगो लिया है अच्छे
अच्छी तरीके से, अगर मेथी भिगो रहे होंगे आप साबुत, तो अगले दिन आप उसको उसे मिक्सी में पीसना पड़ेगा। और फाइनली मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल के इसको रात भर के लिए भिगो दिया, कम से कम 3-4 घंटे के लिए भिगोइए। पानी इसलिए डाला है कि भीगने के बाद ये ड्राई हो जाएगी और अच्छी तरीके से मेथी फूल नहीं पाएगी, इसलिए इसको ढक के अब मैंने पानी मिला के रख दिया। अब देखिए अगले दिन सुबह यानी कि आज फ्राइडे के दिन जब मैंने इसे मॉर्निंग में देखा तो देखिए बिल्कुल ये ड्राई हो जाती है फूल के, देखिए। और इसमें अब हम मिलाएंगे थोड़ा सा एलोवेरा, तो देखिए काफी ड्राई ये हो रखी है, इसमें एलोवेरा भी मिलाएंगे और थोड़ा सा पानी भी मिलाएंगे, दही भी चाहे तो दही आप मिला लीजिए, बहुत अच्छी होती है। तो मैंने इसमें देखिए 2 बड़े चम्मच एलोवेरा के मिला लिए हैं और थोड़ा सा पानी मिला के इसका मैं पेस्ट बनाऊंगी, लेकिन ज्यादा पतला पेस्ट मत करिएगा नहीं तो बालों में से वो गिरता रहता है। और ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है आपके बालों के लिए, बालों को सुलझा लीजिए कंघी करके और फिर पतली पतली सी आप इसमें से पार्टीशन करिए और बालों के स्कैल्प पे और पूरे बाल की जो लट होती है ना उन सारे बालों पर इसको अच्छी तरह से लगाइए और 1-2 घंटे के लिए आपको इसे लगा के छोड़ना है। बहुत ही अच्छा फायदेमंद पैक है, झड़ने तो आपको ना आप 2-3 बार ही यूज करोगे तभी जो है झड़ने बंद हो जाते हैं। इसके अलावा बालों को बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है इससे, तो ये अच्छी तरह से मैंने बालों में लगा लिया। और देखिए अच्छी तरह से जब इसे बालों में लगाएंगे ना तो हाथों पे भी ये लग जाता है और इससे हाथ काले हो जाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बालों को जैसे काला करता है ना हाथों को भी कर देता है। तो नींबू से आप बाद में साफ कर लीजिए, थोड़ा सा बच गया है जिसको कि मैं जो है शानू के लगाऊंगी। तो देखो मैं गीले वाली इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि देखो बिल्कुल चमक आ गई ना गीले वालों में भी, देखो वैसे तो ऊपर लाइट जल रही है लेकिन फिर भी गीले वालों में देखो बहुत अच्छी चमक आ जाती है इससे, देखो कितने अच्छे बाल हो गए हैं। तो जैसे जब आप बाल ड्राई हो जाते हैं तब तो सीरम वगैरह लगा लो तो बहुत चमक जाते हैं ये बाल, लेकिन देखो गीले वालों में भी इससे बहुत अच्छी चमक है और बाल मेरे बहुत अच्छे हो गए हैं। और ये है वो हेयर ऑयल कामा आयुर्वेदा का ब्रिंगादी हेयर ऑयल है, ये बहुत अच्छा है, इसको यूज करो, 3-4 सालों से यूज कर रहे हैं, कोई कोलैबोरेशन वगैरह नहीं है मेरा। तो दोस्तों ये था मेरा एक हेयर मास्क जो कि मेरे बालों की जान है, और इसके अलावा भी जो मैं मार्केट से खरीदे हुए जो मतलब यूज करती हूँ हेयर मास्क वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसको बस आप आंख बंद करके शुरू कर दो। तो ये था मेरा आज का वीडियो, पसंद आए ना तो एक लाइक ज़रूर करना और धीरे धीरे ऐसे ही चीज़ें मैं आपको बताती रहूँगी। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।